अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम प्रोसेस क्या है, प्रोसेस के जो स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स वो कौन सी हैं। क्योंकि आपको जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस पढ़े थे तो आपने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फाइल मैनेजमेंट करता है। और एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है। जब तक आप एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो थ्रू आउट एक प्रोग्राम रन हो रहा होता है मेमोरी के अंदर, आप जिसे हम कर्नल का नाम देते हैं। तो कर्नल आपका कोर पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और जैसे आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रैक्शन करवाता है एक यूजर की हार्डवेयर के साथ, तो इसी तरह से एक एप्लीकेशन प्रोग्राम की इंट्रैक्शन जो है वो हार्डवेयर के साथ जो करवा रहा होता है वो आपका कर्नल करवा रहा होता है। तो यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम से जो भी डेटा प्रोसेसिंग के लिए सेंड किया जाता है या रिसीव किया जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट है कोर पार्ट कर्नल, उसके थ्रू हार्डवेयर को भेजा जाता है और हार्डवेयर उसको प्रोसेस करके सेंड कर रहा होता है। तो कंप्लीट एक जो एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है उसकी मैनेजमेंट के लिए बैकएंड पे जो मेमोरी की मैनेजमेंट है, जो फाइल की मैनेजमेंट है, जो स्टोरेज की मैनेजमेंट है, जो प्रोसेस की मैनेजमेंट है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है। सबसे जो मेन पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की मैनेजमेंट में आता है, जो इसके कंपोनेंट डिफरेंट हमने पढ़े थे, फर्स्ट कंपोनेंट इसका प्रोसेस मैनेजमेंट का है। तो प्रोसेस किस तरह से मैनेज किया जाता है उसकी स्क्रेजनिंग की जाती है। क्योंकि तो आपके एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा प्रोसेस जो है वो बैकेंड पे रन ऑवर होते हैं। जब आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो बैकेंड पे उस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए स्मॉल जो है प्रोसेस जनरेट किए जाते हैं। और हर एक प्रोसेस जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे होते हैं। और उन प्रोसेसेस की मेमोरी, उन प्रोसेस के जो स्टोरेज है, उन प्रोसेस के लिए कंप्लीट एक टाइम स्केजिंग की जाती है। तो एक्चुअली हम जो कमिंग लेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रोसेस मैनेजमेंट है और सीपीयू की जो स्केजलिंग है उसका इन डेप्थ डिटेल में हम अंडरस्टैंड करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। प्रोसेस की जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो कौन सी हैं, और प्रोसेस जो है ये है क्या, और किस तरह से प्रोसेस जो है वो जनरेट किए जाते हैं और इनको मैनेज किस तरह से किया जाता है। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। फर्स्टली मैं आपसे शेयर करता हूँ कि एक्चुअली जो है प्रोसेस की मैनेजमेंट में हमने किन किन मेजर टॉपिक्स को कवर करना है। वो आपके प्रोसेस का कॉन्सेप्ट है, प्रोसेस की स्टेट जो हैं उसकी स्टडी हम करेंगे, स्टेट मॉडल जो हैं वो कौन कौन से हैं अवेलेबल हैं, और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, सीपीयू स्केजिंग किस तरह से की जाती है, प्रोसेस और थ्रेड का कंसेप्ट जो है ये क्या है। तो जो कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हमने कंपोनेंट पढ़े हैं, ठीक है, वो यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम जिस जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसके हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाए होते हैं। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की उसकी वर्किंग की डिवीजन के अकॉर्डिंगली हमने इस तरह से डिवीजन की है कि सबसे पहले आपके प्रोसेस मैनेजमेंट एंड सीपीयू स्केजलिंग का एक कंपोनेंट है, सेकंड आपकी मेन मेमोरी की मैनेजमेंट है, ठीक है, मेन मेमोरी हमारे पास जो रैम है उसकी मैनेजमेंट। जब आप एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो उसकी मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है बैकएंड पे, तो फाइल मैनेजमेंट है, इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट है, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, नेटवर्क प्रोटेक्शन सिस्टम, कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम, ये सारे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स हैं जो कंबाइनली आपके किसी भी हार्डवेयर को मैनेज कर रहे होते हैं, किसी भी एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है उसको जब आप रन करते हैं तो हार्डवेयर पर, तो उसकी कंप्लीट बैकएंड पे जो है मैनेजमेंट की जाती है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अगर हम इसे एज ए स्केजुलर इसे देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्केजिंग किस तरह से कर रहा होता है। एक्चुअली अगर हम कंप्यूटर का आर्किटेक्चर की हम बात करें तो उसमें जो मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे वो आपका सीपीयू है, ठीक है, जिसमें आपने जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया होता है। फिर आपकी मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा होता है, और मेमोरी के जो कंपोनेंट्स आपके मेमोरी में आपका प्रोग्राम्स और डेटा जो है वो होते हैं। फिर कुछ इनपुट और आउटपुट जो है वो कंट्रोलर मौजूद होते हैं जिन्होंने एक्चुअली आपके जितने भी जो अगर आपने प्रिंटर्स को आउटपुट सेंड करनी है या फिर कीबोर्ड से इनपुट और आउटपुट ले रहे हैं, डिजिटल कैमरा, जितनी भी जो इनपुट आउटपुट आ रही होती है इनकी मैनेजमेंट की जा रही होती है। तो एक्चुअली आपके जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्स एज ए सोर्स मैनेजर के तौर पर अगर हम देखें तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोग्राम और डाटा की मैनेजमेंट भी कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम
जो है जितने भी जो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, आईओ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, डाटा किस तरह से इनपुट डिवाइसेस से हमने गेट करना है और उसको प्रोसेस करने के बाद प्रोसेसर से उसको किस तरह से आउटपुट करना है, किस फॉर्म में आउटपुट करना है, सारी मैनेजमेंट के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इस तरह से जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पर आपने अपने प्रोग्राम्स और डाटा को स्टोर करना होता है, उसके लिए भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अगर हमारे कंप्यूटर का कोर पार्ट है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा तो आप कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं कर सकते, रन नहीं कर सकते, ना ही आप किसी हार्डवेयर को मैनेज करते हो तो उससे वर्क ले सकते हैं। तो एक्चुअली आपने अगर किसी भी कंप्यूटर में जो मेन पार्ट है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रोसेस है उसको हम अब देखते हैं कि प्रोसेस की मैनेजमेंट क्या है। प्रोसेस की मैनेजमेंट से पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट डज इट मीन अ प्रोसेस। प्रोग्राम को आपने बात डिस्कस किया हुआ है कि कंप्यूटर का प्रोग्राम जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रही होती हैं। तो एक प्रोग्राम के अंदर फिर मैनी जो है, क्योंकि एक प्रोग्राम जब हम कंप्यूटर के अंदर लिखते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो जस्ट एक ही टास्क परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है, वो एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। तो और उसके जो डिफरेंट टास्क होते हैं उसको फिर हमने परफॉर्म करने के लिए स्मॉल जो है वो एक प्रोग्राम रन करके जिन्हें हम प्रोसेसेस का नाम देते हैं। तो व्हाट डज इट मीन अ प्रोसेस, अगर हम प्रोसेस को डिफाइन करें तो प्रोसेस इज एक्चुअली एक प्रो इज अ प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर मेमोरी व्हिच इज एग्जीक्यूटेड। जो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस स्मॉल साइज के प्रोग्राम को हम नाम देते हैं एक प्रोसेस का। क्लियर है? तो सिंपल इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। क्योंकि अगर एक प्रोग्राम आपने लिखा उसे अपने स्कैंडी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर लिया होगा तो वो एक प्रोसेस नहीं है, लेकिन जब आप उसको डबल क्लिक करके रन करते हैं, आपने एमएस ऑफिस इंस्टॉल किया हुआ है, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल आपने इंस्टॉल किया हुआ है, तो अगर वो मेमोरी अगर तो वो हार्ड डिस्क पे आपके पास स्टोर है, ठीक है, सी ड्राइव के अंदर, तो वो एक प्रोग्राम है। लेकिन जब आप उसको डबल क्लिक करते हैं, एमएस वर्ड को डबल क्लिक करते हैं और वो प्रोग्राम रन होना शुरू होता है, एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, तो हम कहेंगे कि ये प्रोग्राम जो है इसे हम प्रोसेस का नाम देंगे। तो प्रोसेस इज नॉट एज द सेम एज द प्रोग्राम कोड बट अ लॉट मोर देन इट। अ प्रोसेस इज एन एक्टिव एंटिटी एज अपोज टू द प्रोग्राम विच इज कंसर्न टू द पैसिव एंटिटी। तो ये दो टर्म्स यूज की जाती हैं, एक्टिव और पैसिव, यानी कि जो प्रोसेस है ना ये एक्टिव एंटिटी है। प्रोसेस मीन के आपका प्रोसेस जो है वो मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा होता है, लेकिन अगर हम प्रोग्राम की बात करें वो पैसिव एंटिटी है, वो आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में पड़ा होता है। जब प्रोग्राम को आप रन करते हैं उसको डबल क्लिक करते हुए कमांड देते हुए तो फिर देन जो है वो एक्टिव एंटिटी बन जाता है, तब वो उसे हम प्रोसेस का नाम देते हैं। क्लियर? तो एट्रीब्यूट हेल्ड बाय प्रोसेस इंक्लूड, अब जो एक प्रोसेस के क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन उसने हो रही है उसकी मेमोरी के अंदर जो है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। ऑब्वियसली उसके लिए आपको जो है वो कुछ हार्डवेयर स्टेट रिक्वायर्ड है, मेमोरी रिक्वायर्ड है और सीपीयू रिक्वायर्ड है। हर एक प्रोसेस की अपनी कुछ हार्डवेयर सोर्सेज उसको रिक्वायर्ड होते हैं, मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, सीपीयू रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो इसीलिए तो हमें मेमोरी की फिर मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो प्रोसेस मेमोरी इज डिवाइडेड इंटू फोर सेक्शन फॉर एफिशियंट वर्किंग। हम जो प्रोसेस के लिए जो रैम में मेमोरी रिजर्व करते हैं, एक प्रोसेस जो कि एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसके लिए उसके फोर सेक्शन, उसके फोर पार्ट्स हैं। पहले को हम टेक्स्ट सेक्शन का नाम देते हैं, सेकंड आपका डाटा सेक्शन कहलाता है, थर्ड जो है वो हीप है और फोर्थ जो है वो स्टैक है। हीप और जो स्टैक है ये आपके डाटा स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ा हुआ कि व्हाट डज मीन अ हीप, व्हाट डज मीन अ स्टैक। ठीक है, तो इनके ऑपरेशंस भी आपने डाटा स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे। तो हम वन बाय वन देख लेते हैं, ये जो आपका टेक्स्ट सेक्शन है, डाटा सेक्शन है, हीप और जो स्टैक है ये वर्किंग किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये आपके किसी भी प्रोसेस की मेमोरी की डिवीजन है, सेक्शन हमने बनाए हुए। सबसे पहले अगर हम टेक्स्ट सेक्शन की बात करें, यानी कि आपने मेमोरी के अंदर पार्टीशन कर दी है, पहला पार्ट है वो आपका टेक्स्ट सेक्शन का है। तो टेक्स्ट सेक्शन के अंदर क्या होता है, इसमें कंपाइल्ड प्रोग्राम का कोड होता है। ठीक है, रीड इन फॉर्म नॉन वोलेटाइल स्टोरेज व्हेन द प्रोग्राम इज लॉन्च। तो जो आपके पास टेक्स्ट सेक्शन है इसमें क्या होगा कि आपके पास कंपाइल्ड प्रोग्राम का कोड मौजूद होगा। जो डाटा सेक्शन है इसके अंदर आपके जितने भी जो ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, ठीक है, एलोकेटेड एंड इनिशियलाइज्ड प्रियोर टू एग्जीक्यूटिंग द मेन, तो उसके वो जो आपके ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे डेटा सेक्शन के अंदर पड़े होते हैं।
क्लियर है। जो कंपाइल प्रोग्राम कोड है वो हमारा टेस्ट सेशन के अंदर पड़ा हुआ है, जो ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स हैं वो आपके जो है वो डाटा सेक्शन में पड़े होते हैं। हीप में जो है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मौजूद होती है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से क्या मुराद है कि डायनेमिक से मुराद ये है कि जब आपके पास एक प्रोसेस जो है वो उसको आपने एक न्यू प्रोसेस जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है, उसको आपने डिलीट करना है, आपने मेमोरी को फ्री करना है, उसके लिए जो कॉल्स की जाती हैं उसकी मैनेजमेंट जो है वो बैकएंड पे हीप कर रहा होता है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हमें प्रोसेस को क्रिएट करने डिलीट करने के लिए, ठीक है, जो कॉल्स हमें करते हैं उसके लिए हमें जो डाटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, जो मेमोरी रिक्वायर्ड है, उस पार्ट को हम हीप का नाम देते हैं। जबकि जो स्टैक है ये आपके जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल जो है वो में डिफरेंस मौजूद है कि ग्लोबल एंड ग्लोबल जो है जिनका स्कोप जो है पूरे, ग्लोबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपके पास एक से एक प्रोग्राम के ग्लोबल वेरिएबल्स उसके जितने भी जो प्रोसेसिंग होते हैं सबको एक्सेसिबल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके पास लोकल वेरिएबल हैं ये आपके एक प्रोसेस के जो लोकल वेरिएबल हैं वो किसी दूसरे जो प्रोसेस है उसके लोकल वेरिएबल को एक्सेसिबल नहीं होंगे। यानी कि दूसरे एक प्रोसेस के जो अगर आपके पास लोकल वेरिएबल है और एक दूसरा प्रोसेस है तो वो उसके जो प्रोसेस के लोकल वेरिएबल उनको असेस नहीं कर सकता। वो जो उसका स्कोप है लोकल वेरिएबल्स का वो विद इन प्रोसेस है, जस्ट उसी प्रोसेस के प्रोसेस जो है के अंदर जो है हम उन वेरिएबल्स को असेस करके उसको उसके जो डाटा है उसको यूज कर सकते हैं। तो स्पेस ऑन द स्टैक इज रिजर्व फॉर लोकल वेरिएबल व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड। अगर आपने लोकल वेरिएबल बनाए हुए हैं तो उनके लिए हम स्टैक में स्पेस रिजर्व करते हैं। तो स्टैक का ऑपरेशन आपको पता है, फर्स्ट इन फर्स्ट इन लास्ट आउट, जिसे हम लीफो का नाम देते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो 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 आप डाटा लास्ट पे इंसर्ट करते हैं वो फर्स्ट पे हमें रिसीव हो रहा है। हीप जो है, जबकि ये हीप है, ये ट्री लाइक जो है वो स्ट्रक्चर है, जो बाइनरी ट्री जिसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये दोनों जो डाटा स्ट्रक्चर है ये हमारे प्रोसेस की मेमोरी मैनेजमेंट के लिए बैकएंड पे यूज हो रहे होते हैं। आपने जो डाटा स्ट्रक्चर कोर्स पढ़ा उसका मतलब है वो जो हमारा जो डाटा स्ट्रक्चर के जो हमने ये पढ़े, हीप है, स्टैक है, लिंक लिस्ट है, अरेज हैं, तो ये ऐसा नहीं, हम ऐसे नहीं हमने पढ़ लिए, बल्कि ये आगे फर्दर आप देख रहे हैं कि इनकी रियल टाइम एप्लीकेशन मौजूद है। ये जो हीप है, स्टैक है, ये हमारे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस की मैनेजमेंट के लिए यूज हो रहे हैं, जबकि जो आपका जो डाइजेस्ट जो ट्री का है और जो ग्राफ का डाटा स्ट्रक्चर है वो हमारा मेजर जो हमारे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के नेटवर्क के अंदर जो है नेटवर्क फ्लो में हम जो है वो डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे होते हैं, इंटरनेट में उनको यूज़ किया जा रहा होता है। तो ये इनकी रियल टाइम एप्लीकेशन हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा कि एक प्रोसेस जो है वो एक्चुअली एक प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूट हो रहा होता है रनिंग फॉर्म में होता है, उसे हम प्रोसेस का नाम देते हैं। मेमरी मैनेजमेंट के फोर पार्ट हैं, हमने मेमरी के चार पार्ट किए। टेक्स्ट सेशन में आपका कंपाइल प्रोग्राम कोड होता है, डाटा सेशन में आपका ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल, हीप में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, और स्टैक में जो है वो आपके लोकल वेरिएबल्स होते हैं। ये क्लियर हुआ स्टूडेंट, कंफ्यूजन तो नहीं इसमें। नेक्स्ट प्रोसेस की मैनेजमेंट जो है उसको हम डिफाइन करते हैं, व्हाट डज मीन अ प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस को हमने नाम दिया कि प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। तो प्रोसेस नीड्स क्रिएशन रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को क्रिएट करना, इंक्लूडिंग सीपीयू टाइम, जिसमें हम सीपीयू का टाइम स्केड्यूलिंग कर रहे होते हैं, इतना टाइम जो है वो हमें इस प्रोसेस को रन करना है, इतना टाइम जो है वो हमें इस प्रोसेस को रन करना है। तो सीपीयू की जो टाइम स्केड्यूलिंग है, मेमोरी की जो मैनेजमेंट है, जो फाइल्स की मैनेजमेंट है, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की मैनेजमेंट है, टू कॉम्पोलिश इट्स टास्क इज नोन एज प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जितने भी जो आपके पास जो उस प्रोसेस को रन करने के लिए हमें रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें सीपीयू का टाइम, मेमोरी, फाइल्स, इनपुट आउटपुट, सभी जो ये आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं इनको इनकी मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस के लिए, उसे हम प्रोसेस मैनेजमेंट का नाम देते हैं। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन कंसर्न विद द प्रोसेस मैनेजमेंट। तो एक प्रोसेस की जो मैनेजमेंट की जाती है, उसकी जो मैनेजमेंट की जाती है तो उसमें मेजर जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं वो थ्री एक्टिविटीज हैं। पहली एक्टिविटी प्रोसेस क्रिएशन एंड डिलीशन, कि हमने एक प्रोसेस को क्रिएट कैसे करना है और उसको डिलीट कैसे करना है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ये एक मेजर एक्टिविटी है प्रोसेस मैनेजमेंट में। फर्स्ट एक्टिविटी का आपने प्रोसेस को क्रिएट कैसे करना है, और जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो उसको फिर आपने डिलीट कैसे करना है ताकि मेमोरी जो है वो फ्री अप हो जाए। फिर सेकेंड है प्रोसेस सस्पेंशन एंड रिजम्पशन। ये किस तरह से की जाती है कि अगर आपने एक प्रोसेस की सस्पेंशन
जो है वो होगी है, तो उसको रिज्यूम किस तरह से करना है। ठीक है, आपने एक प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया है, फिर उसको आपने रिज्यूम किस तरह से करना है, ये सेकंड जो है प्रोसेस का मैनेजमेंट है। थर्ड जो मैनेजमेंट है वो प्रोविजन ऑफ मैकेनिज्म की है, जिसमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और प्रोसेस की कम्युनिकेशन, कि आपके पास से जो प्रोसेस है वो आपस में कम्युनिकेशन किस तरह से करेंगे, उसके मैनेजमेंट। तो इस प्रोसेस की मैनेजमेंट के हम इन सभी जो इसकी जो प्रोसेस मैनेजमेंट की एक्टिविटीज हैं इनको डिटेल में जो है वो आगे नेक्स्ट स्टडी कर रहे होंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि आपने क्रिएशन ऑफ अ प्रोसेस, कि आपने एक प्रोसेस प्रोसेस को क्रिएट करना है, तो वो कैसे किया जाता है। व्हेन अ न्यू प्रोसेस इज एडेड, ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड्स वेरियस डेटा स्ट्रक्चर टू मैनेज द न्यूली एडेड प्रोसेस, इट ऑल्सो एलोकेट स्पेस टू द प्रोसेस इन द मेमोरी। तो वो वेरियस डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, एक वो क्वी जनरेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस के लिए, और सेकंड जो है वो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो स्टैक जनरेट करेगा, स्टैक जनरेट करेगा लोकल वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए, और क्वी जनरेट करेगा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। ठीक हो गया। तो रीजंस टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस, कि हम एक प्रोसेस क्यों, एक न्यू प्रोसेस क्रिएट क्यों किया जाता है, उसकी रीजन क्या है। न्यू बैच जॉब, तो स्टूडेंट आपके पास एक बैच सिस्टम होता है, वो हमने पढ़ा था कि बैच सिस्टम जो है अर्लियर जो हमारा सिस्टम था, ठीक है, जब आपके पास टेक्नोलॉजी इतनी एनहेंस नहीं थी, जब आपके पास मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग का कंसेप्ट नहीं था, तब जो एक कंप्यूटर था उसको जब हम कोई भी उससे उस पर कोई प्रोग्राम रन करना होता था, तो हम ऐसा करते थे कि जितने भी जो प्रोग्राम हमने रन करने हैं, 5-10 प्रोग्राम रन करने हैं, उन सबको एक जो है वो पंच कार्ड के ऊपर, सभी के डिजिटल पंच कार्ड के ऊपर उन सबको हम अरेंज करते थे, और अपने जो बैच सिस्टम था उसको प्रोवाइड करते थे। तो बैच सिस्टम क्या करता था कि 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन करता होता था, एक कंप्लीट प्रोग्राम को रन करके उसका रिजल्ट जनरेट करके देन नेक्स्ट जॉब वो पकड़ता था और उसको वो एग्जीक्यूट कर रहा होता था। तो हमें अगर एक बैच न्यू बैच जॉब क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हमें एक प्रोसेस क्रिएट करना होगा, ताकि आपका सीपीयू जो है वो एक न्यू जॉब के लिए जो भी आपको एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करना होगा, उसके लिए जितने भी जो हार्डवेयर सोर्सेज और रिक्वायर्ड है, उसके लिए मेमोरी रिक्वायर्ड है, वो उसको प्रोवाइड कर सके। फिर सेकेंड जो रीज़न है वो है न्यू यूजर लॉग जॉन, अगर आपके पास एक न्यू यूजर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करता है, उसके लिए भी हमें एक प्रोसेस को जनरेट करना होता है, ताकि वो उसके लिए एक एक न्यू यूजर है तो उसको उसकी मैप उसके लिए जितने भी जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सोर्सेज रिक्वायर्ड है वो उसको एलोकेट किया जा सके। थर्ड जो है वो क्रिएटेड बाय ओएस टू प्रोवाइड अ सर्विस, कि जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने सर्विसेज जो है वो डिटेल में देखी थी, ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्विस रिलेटेड प्रोवाइड करना चाहता है, उसके लिए भी हमें एक प्रोसेस क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट जो है वो स्नैप बाय एग्जिस्टिंग प्रोसेस, व्हाट इज स्नैप, द एक्शन ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस एट द एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट ऑफ अनदर प्रोसेस पेरेंट प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रोसेस स्पैनिंग। स्पैनिंग का मतलब ये है कि आपके पास एक प्रोसेस है, ठीक है, वो रन हो रहा है, वो आपके सीपीयू को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करता है एक न्यू प्रोसेस क्रिएट करने की, तो जो जिस जो न्यू प्रोसेस क्रिएट होगा उसे हम चाइल्ड प्रोसेस का नाम देंगे, और जो रिक्वेस्ट कर रहा होता है उसे हम पेरेंट प्रोसेस का नाम देंगे। ठीक है, तो जैसा कि इस एग्जांपल इस तरह से है कि आप प्रिंटर सर्वर और अ फाइल सर्वर में जनरेट अ न्यू प्रोसेस फॉर ईच रिक्वेस्ट एट इट हैंडल, कि आपका प्रिंटर जो है ना वो जो है वो एक, या फिर आपका फाइल सर्वर जो है वो एक न्यू प्रोसेस जनरेट करता है, ताकि वो कोई भी यूजर ने जो प्रिंटर सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड की है कि इतने जो है वो पेजेस जो डॉक्यूमेंट के हमको प्रिंट करना है, तो वो फिर उसके लिए हर एक रिक्वेस्ट के लिए, हर एक यूजर की रिक्वेस्ट के लिए सेपरेट जो है वो न्यू प्रोसेस जनरेट करे, तो उन प्रोसेस को हम चाइल्ड प्रोसेस का नाम देंगे, और जो प्रिंटर सर्वर पर जो प्रोसेस रन हो रहा होगा वो हमारा पेरेंट प्रोसेस कहलाएगा। तो प्रोसेस टर्मिनेशन, हमने क्रिएशन के लिए देख लिया कि क्रिएशन किस तरह से होगी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोसेस की टर्मिनेशन। तो आमतौर पर एक प्रोसेस कब टर्मिनेट होगा, जब आपका प्रोसेस है अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लेगा, तो नॉर्मल कंप्लीशन जब होगी तो उस टाइम आपका प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। सेकेंड, जब टाइम लिमिट एक्सीड हो जाती है, मैंने आपको बताया था कि हर एक प्रोसेस की एक टाइम लिमिट होती है, इतने टाइम के लिए
उसको मेमोरी रिसोर्सेज, उसको हार्डवेयर, उसको प्रोसेसर रिसोर्सेज जो हैं वो एलोकेट कर दिए जाते हैं। तो अगर वो उस टाइम से अगर आपके पास प्रोसेसर जो है उसको ज़्यादा टाइम जो है वो लगता है, ठीक है, या उसमें डिले आ रहा है, तो उस तब भी एक उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इंटरेक्टिव प्रोसेस जो होते हैं, जब आप टाइम लिमिट एक्सीड कर देते हैं तब हमें प्रोसेस को टर्मिनेट करना पड़ता है। तो थर्ड जो है वो मेमोरी अनअवेलेबल, मेन के आपके पास जितने भी जो प्रोसेस हैं उनके लिए आपने उनकी कंप्लीट स्क्वेजलिंग कर दी, मेमोरी की मेमोरी एलोकेट कर दी। अब आपके पास मेमोरी हम बात करें रैम की, क्योंकि जितने भी जो प्रोग्राम्स होते हैं वो उनको हम पहले रैम में लोड करते हैं, वहाँ से आपका प्रोसेसर जो है उसको वन बाय वन लेके एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो मेमोरी अगर अनअवेलेबल हो तब भी जो है आपका प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है। फिर बाउंड वायलेशन से क्या मुराद है, जब आप बाउंड वायलेशन हो रही हो मीन्स के एक्सेस टू द मेमोरी लोकेशन दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है, कि आपके पास ऐसा है कि एक प्रोसेस जो होता है ना उसकी जो मेमोरी होती है वो दूसरी मेमोरी से उसको प्रिजर्व किया जाता है, मीन कि वो असेस नहीं कर सकता एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस की मेमोरी को। तो इसे हम अगर वो असेस करने की कोशिश कर रहा है तो इसे हम बाउंड वायलेशन का नाम देते हैं। फिर थर्ड जो है वो प्रोटेक्शन एरर है, मीन के राइटिंग टू रीड ओनली फाइल, तब जो है आपका प्रोसेस हम टर्मिनेट कर देते हैं। फिर मीनिंग है कि आप जस्ट एक एक फाइल लिख रहे हैं जो जस्ट रीड करने के लिए है, तो अगर वो इसे हम प्रोटेक्शन एरर का नाम देंगे। फिर अरिथमेटिक अगर एरर आ जाता है, यानी कि जब आप डिवाइड बाय जीरो करते हैं तब आप प्रोसेस को टर्मिनेट कर रहे होंगे। फिर टाइम ओवर रन है, कि वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट फॉर इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, इनपुट आउटपुट बेसिस आपको कोई, यानी कि ऐसा हुआ कि प्रोग्राम ने कहा कि एंटर एंटर डाटा, यूजर को डाटा को एंटर करने के लिए कहा, अब प्रोग्राम बैकएंड पे वेट कर रहा है और यूजर कीबोर्ड से डाटा टाइप नहीं करता, वो कोई अपना और काम करना शुरू कर देता है, तो तब भी प्रोसेस को बैकएंड पर टर्मिनेट कर दिया जाता है, क्लियर। फिर इसके अलावा जो अगर इनपुट और आउटपुट फेलियर होता है, रीडिंग फ्रॉम लाइन प्रिंटर, इसकी एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास लाइन प्रिंटर से रीडिंग जो है वो नहीं हो रही तो भी आपका जो प्रोसेस है उसको हम टर्मिनेट कर देते हैं। फिर इनवैलिड इंस्ट्रक्शन अगर हों, मीन के ब्रांच टू द डाटा एरिया एंड ट्राइंग टू एग्जीक्यूट डाटा, तो इनवैलिड अगर इंस्ट्रक्शन हैं तब भी आपके पास प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है। प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन हैं जैसा कि चेंजिंग मोड फ्राम 1 to 0, ठीक है, इसके अलावा डाटा अगर मिस यूज हो रहा है तब भी हम प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं। ऑपरेटर्स या OS इंटरवेंशन, मीन के डेड लॉक अकर हो जाता है, डेड लॉक को हम डिटेल में देखेंगे कि डेड लॉक क्या होता है और डेड लॉक की कॉजेज क्या हैं, डेड लॉक को सॉल्व करने के फिर मेजर जो है वो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। तो एक्चुअली डेड लॉक को आप इस तरह से कंसिडर करें कि जैसा कि अगर ट्रैफिक सिग्नल पर जो है वैसा होता है कि चारों साइड से जो है वो ट्रैफिक के सिग्नल ऑन कर दिए जाते हैं, तो जब ट्रैफिक एकदम से जो है वो आ जाएगी, ठीक है, तो वो एक डेड लॉक क्रिएट होगा, कोई भी जो ट्रैफिक है वो अपने जो है वो ब्लॉक सारी हो जाएगी, ठीक है, और वो मूव नहीं कर पाएंगे। तो डेड लॉक भी इसी तरह से आपके पास जब अकर हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम की मैनेजमेंट कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर जो है वो डेड लॉक अकर हो रहा होता है तो उसको हमने किस तरह से मैनेज करना है, उससे कैसे ओवरकम करना है, उनको फिर आगे नेक्स्ट डिटेल में हम देखेंगे डेड लॉक के जब हम टॉपिक कर रहे होंगे। तो इस जब ऑपरेटर्स OS इंटरवेंशन में कि डेड लॉक अकर होता है तब भी हम प्रोसेस अपने प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं। फिर पेरेंट टर्मिनेशन, याद रखिएगा कि अगर एक आपके पास पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका जो चाइल्ड आपके पास प्रोसेस होता है उसको भी हम टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स की अगर टर्मिनेशन हो रही है एक ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रोसेस है तो हम उसके जो चाइल्ड है उसकी भी टर्मिनेशन कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो पेरेंट रिक्वेस्ट है, कि अगर एक पेरेंट ने रिक्वेस्ट की है, ठीक है, तो कि हम इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाए, तो आप फिर उस पेरेंट पर उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं। तो स्टूडेंट आगे नेक्स्ट हम जो प्रोसेस की स्टेट मॉडल्स हैं, ठीक है, उसके प्रोसेस की कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, उसके लिए जो फर्स्ट मॉडल है वो है टू स्टेट प्रोसेस मॉडल, यानी कि आपके पास दो ही स्टेट होंगी, ठीक है, एक प्रोसेस के लिए उसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि आप जो है एक आपके पास स्टेट है जहाँ पर अपने अपने प्रोसेसेस को एंटर करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो आपके प्रोसेस हैं वो वेट कर रहे होते हैं, नॉट रनिंग। यहाँ से फिर आपके प्रोसेसेस को उठा के एक मेमोरी एरिया में लेके जाया जाता है जहाँ से प्रोसेसर जो है उस जितने भी जो आपके पास
प्रोसेसेस आ रहे होंगे उनको वन बाय वन वहां से पकड़ कर एग्जीक्यूट कर रहे होगा और यहाँ से एग्जिट हो रहा होगा। इसे हम नाम होता है टू स्टेट प्रोसेस मॉडल। तो ये इस तरह से होता है कि आपके पास प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस को हम एंटर करते हैं क्यू के अंदर। क्यू के अंदर आपने एंटर किया तो इसके दो बोथ हैंड जो है वो होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एंटर करते हैं। क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर है ये हमारा यूज करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो डेटा पहले आएगा उसी को पहले एग्जीक्यूट किया जा रहा होगा। तो फिर यहाँ से फिर इसको डिस्पैच किया जाता है, मीन डिस्पैच का मतलब है क्वी से हम वन बाय वन प्रोसेस जो है उसको प्रोसेसर के पास लेके आते हैं ताकि वो प्रोसेसर जो है उसको एग्जीक्यूट करें। जब उसकी एग्जीक्यूशन होती है तो यहाँ से आपका कंट्रोल एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये आपका जो है अगर आपके पास पास आता है, ठीक है, तो आपको प्रोसेस को दोबारा से जो है वो सेंड किया जाता है क्वी के अंदर और उसको डिस्पैच किया जाता है। ये एक साइकिल चल रहा है जिसमें हम टू स्टेट प्रोसेस मॉडल जो है उसकी डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। तो और डिसएडवांटेज अगर हम बात करें टू स्टेट मॉडल्स की, तो फर्स्टली डिस्पैचर पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट नो वेदर प्रोसेस इज ब्लॉक्ड ड्यू टू इनपुट आउटपुट ऑपरेशन टू गेट कंप्लीटेड और प्रोसेस इज इन द रेडी स्टेट टू एग्जीक्यूट। तो ये आपके पास इस तरह से है कि ये जो डिस्पैचर है ना इसे नहीं पता होता कि एक प्रोसेस जो है उसको वो जो है वो वैसे क्यू के अंदर वेटिंग पे है या फिर वो प्रोसेस अपने टाइम लिमिट में रन नहीं हुआ तो उसको दोबारा भेजा गया है क्यू के अंदर और वो फिर प्रोसेस वहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो डिस्पैचर के पास इतनी नॉलेज नहीं होता। सेकंड जो है प्रोसेस स्टेजेस की हम अगर बात करें तो प्रोसेसेस कैन बी ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। कौन कौन सी स्टेट है? तो आपने ये याद रखनी है कि पहली स्टेट आपकी जो है वो न्यू है, यानी कि जब आपने एक प्रोसेस क्रिएट करना है तो इस स्टेट को हम न्यू स्टेट का नाम देते हैं, ठीक है। फिर एक स्टेट होती है रेडी, द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू द प्रोसेसर। हमारे पास एक प्रोग्राम के रन होने का भी वे यही होता है कि आपने अपना प्रोग्राम सेव किया होता है हार्ड डिस्क पे, ठीक है, यानी सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर। वहाँ से पहले प्रोग्राम को लोड किया जाता है मेमोरी में और मेमोरी में लोड करने के बाद उसको प्रोसेसर जो है फिर वन बाई वन जो है वहाँ से लेकर एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो जो रेडी है इसमें प्रोसेस जो है वो वेट कर रहा हुआ है प्रोसेसर के लिए। फिर रनिंग में इंस्ट्रक्शन आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, यानी कि रनिंग स्टेट जो होती है इसमें आपका जो प्रोसेसर होता है वो रनिंग वो उसकी जो इंस्ट्रक्शन होती है वो एग्जीक्यूट हो रही होती है। वेटिंग में क्या है? द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टोकन, जैसा कि इनपुट आउटपुट कंप्लीशन आर रिसेप्शन ऑफ अ सिंगल सिग्नल। वेटिंग में वेटिंग दो तरह की हो सकती है ना, एक तो या तो वो आपका प्रोग्राम अगर रन हो रहा है तो वो उसको चाहिए इनपुट और आउटपुट। प्रोग्राम में दो चीज़ें होती हैं, एक आपके पास कोड और सेकंड डाटा। अगर उससे इनपुट आउटपुट से उसको डाटा रिक्वायर्ड होगा तो तब जो है वो वेट कर रहा होगा, या फिर आपके पास अगर वो उसको कुछ सिग्नल रिक्वायर्ड है प्रोसेस के कंप्लीट होने का तब वो वेट कर रहा होगा। टर्मिनेशन जो है वो लास्ट स्टेप है जिसमें प्रोसेस हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। तो ये स्टूडेंट फाइव स्टेट्स आपके पास बन जाती हैं, न्यू, रेडी, वेटिंग, रनिंग और टर्मिनेटिव। तो ये एक उसका जो है वो स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि न्यू जो है इससे प्रोसेस क्रिएट करने के बाद उसमें उसको एडमिट किया जाता है रेडी क्वी के अंदर, क्वी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, और वहाँ से फिर जो स्क्रेचुलर है वो इसको डिस्पैच करता है। डिस्पैच का मतलब ये है कि उसको वो लेके आता है प्रोसेसर के पास, प्रोसेसर उसको रन करके एग्जीक्यूट करता है, टर्मिनेट कर देता है। और अगर डिस्पैचर जो है वो उसको दोबारा से इसको इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट इवेंट का वेट हो रहा होता है तो उसको दोबारा से वो वेटिंग में भेजेगा और वो वेट करेगा कि उसको कोई भी इनपुट और आउटपुट इवेंट की कंप्लीशन के लिए जो डाटा रिक्वायर्ड वो मिले। जैसे वो डाटा मिलेगा वो रेडी क्यू में जाएगा और वहाँ से उसको रनिंग फॉर्म में ले जाके उसको टर्मिनेट कर दिया। तो ये स्टूडेंट फाइव स्टेट्स हैं आपके प्रोसेस के स्टेट रन होने के लिए। तो पॉसिबल ट्रांजेक्शन जो हो रही होती हैं वो नल, नल स्टैंड फॉर न्यू, न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड टू द एग्जीक्यूटेड द प्रोग्राम। न्यू जो कीवर्ड है ये शो करता है रेडी के लिए और रेडी जो है वो रनिंग के लिए, रनिंग जो है वो एग्जीक्यूट के लिए, रनिंग जो है वो हम इसे रेडी के लिए भी अंदर भी यूज़ कर रहे होंगे, रनिंग जो है ब्लॉक वेटिंग के लिए। तो ये कुछ बेसिक जो है वो आपके पास पॉसिबल ट्रांजेक्शन हैं जो हैं वो जो हम परफॉर्म कर रहे थे। तो प्रोसेस स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम जी, तो यहाँ पर एक्चुअली आप देख रहे हैं कि आपके पास इस तरह से है कि एक क्वी है आपके, एक जैसे आप एक स्टेट क्रिएट करते हैं तो आप अपनी रिक्वेस्ट को भेजते हैं रेडी क्वी के अंदर। ये रेडी क्वी है,
तो रेडी क्यू में क्या होगा, जितने भी जो आपके प्रोग्राम्स होंगे वो वन बाय वन यहाँ से जो है वो इस क्यू के अंदर एंटर किए जाएंगे, और वहाँ से जो प्रोसेसर है वो डिस्पैचर के जरिए एक एक इंस्ट्रक्शन को लेके वो एग्जीक्यूट कर रहा होगा। तो अगर तो प्रोसेसर जो है वो देखता है कि ये जो क्यू है इसमें कोई एरर है या फिर जो है ये कोई इनफिनाइट रिसोर्सेज रिक्वायर कर रहे हैं, लॉजिकल में एरर मौजूद है, तो उसको वापस जो है ब्लॉक क्यू के अंदर भेज देता है, और ब्लॉक क्यू से वापस उसको रेडी क्यू के अंदर भेज के फिर इस तरह से तालीम जो है वो कम्प्लीट होती है। तो ये जो रेडी क्यू है, ये सॉरी जॉब जो है वो कम्प्लीट हो के रेडी क्यू जो है इसमें आपके पास जो प्रोसेस है वो आएगा और उसको वहां से डिस्पैचर के लिए प्रोसेसर के पास लेके जाएगा ताकि वो उसको एग्जीक्यूट करे। तो नेक्स्ट हम जो है वो सिंगल ब्लॉक की इसको हम स्टडी करेंगे। तो अभी आप दोबारा से क्लास रिज्वाइन करें, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी 40 मिनट कम्प्लीट हो गए, तो क्लास को रिज्वाइन कीजिएगा।